आज वैश्य समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन उमा रेजिडेंसी में हुआ, जिसमें श्यामाचरण गुप्ता सांसद प्रयागराज, अजय सिंह राहुल भैया पूर्व नेता प्रतिपक्ष उमाचरण गुप्ता व राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवा अग्रहरी एवं कई प्रदेशों से आए अग्रहरी समाज के लोग उपस्थित रहे। राजा ने आप कहे सर प्रदेश की धरती में राहुल भैया के साथ आ जा रहे हैं। इसलिए मेरे समाज के भाइयों और इसके अलावा भी यहाँ और जितने लोग भी आए हो, अपने आप को मजबूत बनाने के बारे में विचार करो, कैसे मजबूती आएगी। आज तो आज के युग में तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि पहले पुराने जमाने में जिसके पास धन संपदा ज्यादा होती थी वो मजबूत माना जाता था, और आज आज के समय में तो जिसके पास राजनीतिक शक्ति हो गई है वो मजबूत ज्यादा माना जा रहा है। और अगर आपके पास राजनीतिक शक्ति नहीं है तो आप चाहे जितने पैसे वाले हो जाओ, चाहे जितने बड़े व्यापारी हो जाओ, आपको शायद कोई उतना नहीं मानेगा, शायद कोई उतना नहीं भजेगा। आपके पास लाठी हो चाहे ना हो, आपका बंदूक हो चाहे ना हो, आपके पास राइफल हो चाहे ना हो, एक एक थोड़ा सा कोई ना कोई आपके पास सरनेम जरूर हो। प्रधान जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, विधायक हैं, विधायक तो ऐसी स्थिति में मंत्री हैं। भाई बहुत टफ काम, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी कभी कह दिया करता हूँ कि मुख्यमंत्री तक की लड़ाई लड़ो देखा जाएगा, लेकिन फिर भी एक शक्तिशाली बनने के लिए थोड़ी सी कुछ ना कुछ उपाय सोचो। आप लोग आए हो, मुझे राहुल भैया से पहले बोलने के लिए कह दिया, मैं तो राहुल भैया की सुनना चाहता था, लेकिन अच्छा हुआ अभी भी राहुल भैया मुझे सुनने को मिल जाएंगे। उन्हें कहीं जाना है इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। आप लोगों का आह्वान करता हूँ, अपने आप को संगठित करो, अपने आप को एक दुख में एक दूसरे के दुख में साझेदारी करो। मैंने पहली बार आपका भाषण सुना, आप समझ में आता है कि कौन सी प्रतिभा आप में है जो बार बार चुनाव जीते हैं। तो समाज वैसे भी अग्रणी है, अग्रहरी के साथ अग्रणी भी है, और बेहतर अग्रणी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक सब अग्रहरी समाज के लोग हैं। बेहद मेहनती समाज है आपका, आपके समाज में विशेषता है, और आपका समाज जिस स्तर तक पहुंचना चाहता हो खुद ही होकर बुलंद, कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा, ये आप में ताकत होनी चाहिए। और श्यामाचरण जैसे आदमी हमारे मार्गदर्शक हों समाज के, तो स्वाभाविक तौर से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। हम लोग की युवा टीम है पूरे देश भर में, और आज के समय पे लगभग पूरे देश के हर प्रांत में हमारी एक टीम बन चुकी है। उनका आपस में एक परिचय हो, हम लोग क्या उद्देश्य को लेकर के ये संगठन आगे बढ़ाएं, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हुई, और आने वाले समय पे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से हम लोगों की भी दखलंदाजी हो इसके लिए भी निर्णय लिया गया। राहुल भैया ने हम लोगों को सपोर्ट का वादा किया, सांसद जी ने बोला कि हम हर तरह का सपोर्ट करेंगे आप लोगों को। एक नई ऊर्जा के साथ में ये मीटिंग आज हुई और बहुत सफल मीटिंग रही। बिल्कुल, जिसको जो लोन देना हो, चुनाव का समय आ गया तो राजनीतिक रंग भी दे देना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और राहुल भैया तो है ही मेरे नेता, और यदि हम लोगों के समाज की मदद से उनका कोई भलाई हो सकना हो तो बिल्कुल हम वो भी करने को तैयार हैं। न्यूज़ अब तक को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। न्यूज़ अब तक, आपकी बात हमारे साथ।